नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने नागपुर से लगे छिंदवाड़ा जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय जांच नाकों का औचक निरीक्षण किया और वाहन चेकिंग, आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, संधारित रजिस्टर और अन्य व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री सुमन और पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने मुख्य रूप से थाना लोधीखेड़ा और थाना बिछुआ के क्षेत्र और भिलापार वन परिक्षेत्र, कन्हान दक्षिण छिंदवाड़ा वन मंडल और मुंगनापार वन परिक्षेत्र कन्हान दक्षिण वन मंडल छिंदवाड़ा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान चेक पोस्टों और नागपुर से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात अमले को महाराष्ट्र से आवागमन करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग करने और कोविड 19 के नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति देने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कर्मचारियों को नाके पर शिफ्ट वार 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने और 31 मार्च तक लोक परिवहन के वाहनों के आवागमन पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान वाहन चेकिंग और थर्मल स्क्रीनिंग का कार्य संतोषजनक पाया गया। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और छिंदवाड़ा SP वालों से बात की तो उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। आज कलेक्टर साहब छिंदवाड़ा और मैं जिले की सीमा क्षेत्रों के भ्रमण में सुबह से ही गए हुए थे और मुख्य रूप से हमने नागपुर से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्र, जिसमें थाना लोधीखेड़ा और थाना बिछुआ क्षेत्र के सीमावर्ती स्थानों का भ्रमण किया है। वहाँ पर होने वाली वाहन चेकिंग और जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनके संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है उसका निरीक्षण किया है। सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट्स देखी जा रही हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति छिंदवाड़ा से राज्य की सीमा पार करके अनावश्यक वहाँ न जाए, क्योंकि वहाँ संक्रमण का प्रसार ज़्यादा है, ऐसी सूचना मिली है। और साथ ही साथ केवल इमरजेंसी आवश्यकताओं को छोड़कर, जिसमें मेडिकल इमरजेंसीज मुख्य रूप से शामिल हैं, अनावश्यक रूप से आने जाने वाले लोगों को सामान्य रूप से घर में रहने की सलाह दी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि संक्रमण के प्रसार को हर संभव तरीके से रोका जाए। मुझे ये जानकारी विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हो रही थी कि सौंसर में जो बॉर्डर पे रोक टोक की जा रही है उसको बाईपास करके दूसरे रास्तों के माध्यम से वाहन आना जाना कर रहे हैं, विशेष रूप से यात्री वाहन और टैक्सी वगैरह के माध्यम से लोग आना जाना कर रहे हैं। और साथ ही सौंसर क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति का भी जायज़ा लेने के लिए मेरे द्वारा आज उस क्षेत्र का दौरा किया गया। उसमें मेरे द्वारा पाया गया कि वहाँ पे SDM के नेतृत्व में पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है, उनके द्वारा संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर ली गई हैं। सभी वार्डों में कहाँ कहाँ संक्रमण की स्थिति है इसकी जानकारी वहाँ SDM द्वारा निकाल ली गई है, उन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। सैम्पलिंग को लेके थोड़े विवाद की स्थिति थी, उस विवाद को भी सुलझा लिया गया है। एक एक्स्ट्रा फीवर क्लिनिक वहाँ पर बनाई गई है जिसमें आवश्यकता अनुसार RT-PCR और RAT के किट्स उपलब्ध होंगे। तो जो भी व्यक्ति यदि संक्रमण महसूस कर रहे होंगे, कोई सिम्टम्स उनको प्रतीत हो रहे होंगे, तो फीवर क्लिनिक विजिट करके अपना सैम्पलिंग आसानी से करा सकते हैं। इसके साथ ही जिस क्षेत्र से वाहन आवागमन की सूचना मिली थी वहाँ पे एक नया बैरियर वहाँ पे लगाया जा चुका है, पूर्व में ही लगाया जा चुका था, और उसी रोड पे आगे बिछुआ क्षेत्रों में भी एक बैरियर वहाँ पे स्थापित किया गया है, वहाँ रजिस्टर संधारित पाया गया। तो ये सूचना कि उस क्षेत्र से लगातार बसेस के माध्यम से आवागमन हो रहा होगा, ये तथ्य सत्य नहीं पाया गया है। और वर्तमान में सौंसर क्षेत्र से लगातार बॉर्डर पे जो भी वाहन आ रहे हैं उसकी पूरी चेकिंग के बाद ही उनको मध्य प्रदेश में प्रवेश दिया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।